तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इलेक्ट्रॉन बीम इन इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्कोप, ठीक है ना, मतलब कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड बाई ए वोल्टेज 20 किलो वोल्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं कितना, 20 किलो वोल्ट को एक्सेलरेट कर दिए। तो जब हम 20 किलो वोल्ट एक्सेलरेट कर दिए तो जो वेव लेंथ है इलेक्ट्रॉन का वो लैम्डा नॉट है। तो वेव लेंथ क्या मतलब होता है भाई, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है। तो जब आप 20 किलो वोल्ट एक्सलेट किए, मतलब ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़ दोगे, एक्सलेट कराओगे, तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्सलेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ से जब एक्सलेट होगा तो हम सबको पता है कि डी ब्रोगली वेव लेंथ लैम्डा एसोसिएटेड इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम पी, और एच अपॉन मोमेंटम पी को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम मास और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर रूट। और यहाँ पर तुम देखो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आएगा वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू ई और पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, वेयर ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो मैं लैम्डा को लिख सकता हूँ एच अपॉन 2 टाइम्स m और ई और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। मतलब लैम्डा यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी देखोगे तो लैम्डा प्रोपोर्शनल आ गया किसके, 1/v अंडर रूट। आया समझ में? तो ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आया यही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और वैसे भी अगर यार तुम्हें एक याद हो कि लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 इज इक्वल टू अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट होता है, तो ये अगर फार्मूला याद है तो यहाँ से डायरेक्ट तुम्हें लैम्डा आ जाएगा अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस भी से। तो आपकी मर्जी मेरे भाई, कोई भी लगा सकते हो एज यू लाइक एज यू विश। तो इफ वोल्टेज इंक्रीज कर दोगे 40 तो लैम्डा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इनिशियली लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, ठीक है। अब तुम देखो तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, या ऐसे कर लो 1 2 कर लो कंडीशन, मतलब सेकेंड कंडीशन में लैम्डा 2, फर्स्ट कंडीशन में लैम्डा 1, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 और ये V1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V1 और ये V2 आ जाएगा सब कुछ ये अंडर रूट। तो लैम्डा 2 और चाहिए हमें, और ये लैम्डा 0 है V2। पहले केस में पोटेंशियल कितना था भाई, 20 था, 20 किलो था, और दूसरे केस में पोटेंशियल कितना हो गया, 40 किलो हो गया, और ये सब कुछ अंडर रूट है। तो ये कट गया और ये 0 से कट गया, तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 0/2। तो लैम्डा 0/2 इस हिसाब से अगर तुम देखोगे लैम्डा 0/√2 आ जाएगी, लैम्डा 0/√2। तो इस हिसाब से देखोगे तो अपना सी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। हम मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम एजुकेशन के फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये है कि आपके सपोर्ट से ही कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।